जय श्री राम। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार जब शंकर भगवान मंदार पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे, तभी माँ पार्वती ने उनसे टिटोली करने के लिए उनकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। माँ पार्वती के हाथों से आंखों के ढके होने के कारण हुई गर्मी से पसीने की कुछ बूंदे वहां से बहकर नीचे धरती पर गिरी और एक भयानक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गई, जो कि अंधा था। जब माँ पार्वती ने भगवान की आंखों से हाथ हटाया और पूरे ब्रह्मांड से अध्यारा हटा, तो उस भयानक से बच्चे को देख कर माँ पार्वती भयभीत हो गई। तब महादेव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह बच्चा तुम्हारे द्वारा मेरे शरीर को स्पर्श करने से उत्पन्न हुआ है, तो यह हमारी संतान के समान है। जब राक्षसों का राजा हिड़ियाच, जो कि संतान विहीन था और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तो भगवान शिव और माँ पार्वती ने उस बच्चे को हिड़ियाच को दे दिया। हिड़ियाच ने उसका नाम अंधक रखा, जो आगे चलकर राक्षसों का राजा अंधकासुर बना। अंधकासुर के जन्म के बारे में अलग अलग पुराणों और कथाओं में बहुत से मत हैं, तो हम लोग आज शिव पुराण की कथा के अनुसार चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां जब हम लाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो। अंधकासुर या अंधक, जो कि देवकुल में पैदा हुआ था, इसलिए राक्षसों में उसकी स्वीकृति नहीं बन रही थी, तो उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। अंधकासुर ने उनसे दिव्य दृष्टि, दिग्विजय और अमृत तो मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन कहा कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना तय है, तुम्हारी मृत्यु शिव के हाथों होगी। अंधकासुर ने वापस आकर अपने सभी दुश्मनों का सफाया किया और देवताओं पर आक्रमण कर इंद्र को हरा दिया। अंधकासुर एक दिन अपने मंत्री से पूछा कि क्या त्रिलोक में मूसा कोई शक्तिशाली और महान है। मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, त्रिलोक में आपसा कोई शक्तिशाली और महान नहीं है, लेकिन आपके पास सुंदर स्त्री की कमी है। अंधकासुर ने पूछा, कहाँ मिलेगी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। मंत्री ने बताया कि कैलाश पर्वत पर पार्वती नाम की स्त्री है, जो अलौकिक रूप से सुंदर है। अंधकासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान शिव और उनके गणों ने पूरी दानव सेना को तहस नहस कर दिया और अब अंधकासुर स्वयं भगवान शिव से लड़ने लगा। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद अंधकासुर को एहसास हुआ कि वो भगवान शिव से नहीं जीत सकता, तो लड़ाई छोड़कर भाग गया। और भगवान शिव को सबक सिखाने के लिए एक दिन जब भगवान शिव और उनके गण कहीं गए हुए थे, तब अंधकासुर ने माँ पार्वती का अपहरण करने की प्रयत्न किया। माँ पार्वती ने देवताओं से मदद मांगी और देवता माता की तरफ से लड़ने लगे। अंधकासुर ने अपने योद्धा बलि को भेजा। उसने सारे देवताओं को अकेले ही हरा कर उन्हें निगल गया। यह देख भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बलि को मारा, तब जाकर उसने देवताओं को छोड़ा और भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया। अंधकासुर ने यह देखकर देवताओं पर वापस हमला किया। यह देखकर भगवान शिव क्रोध में आकर अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर टांग दिया। त्रिशूल पर टंगे होने के कारण उसका रक्त जमीन पर गिरने लगा और रक्त के बूंदों से नए राक्षस जन्म लेने लगे। भगवान विष्णु इस लड़ाई को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नए राक्षसों को जन्म लेते देखा, तब उन्होंने कई मातृका बनाई जो अंधकासुर के गिरते रक्त को पी जाती थी, और इस तरह नए राक्षसों का जन्म रुक गया। कूर्म पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल पर टंगे होने के कारण अंधकासुर के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने माफ़ कर दिया और उसे अपने गणों का सेनापति बना दिया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। हमारी कोशिश सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को धर्म के पास लाना है। हम बम भोले। यह अध्याय आपको कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।